आज फिर आपको बताएंगे कि कैसी रही हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस, कैसा रहा एक्सीलरेशन, क्या निकली इसकी माइलेज, क्या निकली इसकी ब्रेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो हमारी लेह लद्दाख की पूरी सीरीज़ है इसको आप मिस ना करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जब हमने अपनी मनाली से जिस्पा की तरफ जर्नी स्टार्ट करी तो रोड कंडीशन सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके की रोड कंडीशन हमको मिली। तो इसमें हमें आपके स्मूथ रोड भी मिले और बीच में हमें टूटे हुए रोड भी मिले, तो दोनों में ही मैं आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सेलरेशन की, तो आप देख सकते हैं स्पीड वाइज भी 43-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हम ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि जो ट्रैफिक था काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस टाइम पर हमें मिला और गाड़ियाँ वगैरह ट्रक वगैरह भी हमें रास्ते में मिले, तो इसलिए स्पीड हम बहुत ज़्यादा क्रूज नहीं कर पाए, बट मॉडरेट स्पीड पे हमने गाड़ी को ड्राइव किया और गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म भी किया। जब भी हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो गाड़ी ने कभी भी इस तरीके से पावर लॉस वगैरह की जो साइंस होते हैं वो हमें नहीं दिखाए। जब भी हमने इसे एक्सेलरेट किया, गाड़ी ने हमें प्रॉपर जो पावर है उसको डिलीवर किया। अगर बात कर लूँ गाड़ी की ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग वाइज भी हमें जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी। जब भी हमने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई किए, इवन नॉर्मल कंडीशन में भी जब हमने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई किए तब भी काफ़ी अच्छी गाड़ी की ब्रेकिंग हमें मिली। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टूटे फूटे रोड पर भी जब हमने मॉडरेट ब्रेकिंग वगैरह अप्लाई करी तो हमें अच्छी खासी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिला। साथ ही साथ गाड़ी की जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, जिसकी वजह से आपको जो राइड क्वालिटी की गाड़ी की मिलती है, काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। इवन गाड़ी में जो स्टेबिलिटी है वो भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और हर तरह के टेरेन पे हमने इस गाड़ी को चलाया, प्लेन में भी चलाया है, उबड़ खाबड़ रस्तों में भी चलाया है, तो ओवरऑल एक मिक्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हमें गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का मिला। अगर गाड़ी के जो इंजन के लोड की मैं बात करूँ, जब हम गाड़ी को क्रूज कर रहे थे हाइट्स पर, तब भी गाड़ी का जो इंजन था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था। कहीं पर भी हमें जो पावर लॉस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। हालांकि अभी जो हमने हाइट्स वगैरह क्रूज करी हूँ, बहुत ज़्यादा हाई हाइट्स पर हमने इसको नहीं चलाया है, लेकिन जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है उस वक्त जो आगे आने वाली ट्रिप में हम आपको बताएंगे कि इसके इंजन लोड पर कैसा फर्क पड़ा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी हम अटल टनल के बीच में और गाड़ी को हम जो मॉडरेट स्पीड पर ही चला रहे हैं। गाड़ी को जब भी आप पुश करते हैं, जब भी एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। इस वाली क्लिप में आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी मैं आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह भी दिखा रहा हूँ, तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं अच्छी खासी ब्रेकिंग क्वालिटी आपको मिल जाती है। अगर मैं गाड़ी के स्टेयरिंग वगैरह की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं, तो अच्छी खासी स्टेयरिंग कैपेबिलिटी आपको मिल जाती है। कॉर्नरिंग वगैरह जब आप गाड़ी से करते हैं तो उस टाइम पर भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस गाड़ी देती है। हालांकि जब आप गाड़ी को मोड़ वगैरह पर तेजी से काटेंगे तो उस टाइम पर गाड़ी में जो बॉडी रोल एग्जिस्ट करता है वो आपको फील हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर चेकिंग वगैरह करवा रहे हैं, अपने नाम वगैरह लिखवा रहे हैं, और उसके बाद जैसे हमने अपनी ट्रिप को आगे स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की अगेन रोड कंडीशन पर हम गाड़ी चला रहे हैं। टूटे फूटे रोड हमें मिले, अगर ओवरटेकिंग वगैरह भी आप करना चाहते हैं तो उस टाइम पर भी गाड़ी जो है काफी अच्छी पावर डिलीवर करती है। और अगर एवरेज वाइज में बात करूँ तो ओवरऑल कुछ इस तरीके की टेरेन में जहाँ पे आपको पहाड़ भी मिले, कुछ सीधा रास्ता भी मिला, आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की जो एवरेज है ये गाड़ी प्रोवाइड करवा देती है। अब अगर बात करें गाड़ी के टॉर्क की, तो टॉर्क इसमें एनफ है। जब भी आप गाड़ी को पुल करना चाहते हैं, हाइट पे भी पुल करना चाहते हैं या ओवरटेक वगैरह करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर भी गाड़ी आपका अच्छा खासा साथ देती है। अगर मैं बात करूं गाड़ी की रोड क्लियरेंस की, अगर मैं बात करूं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत ऊंची भी नहीं है गाड़ी और बहुत नीचे भी नहीं है, तो सफिशियंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। क्लिप में आप देख भी पा रहे होंगे कि ओवरटेकिंग वगैरह भी अगर हमें करनी है तो इजिली कॉर्नरिंग करके स्टेयरिंग का अच्छा रिस्पॉन्स है, और इजिली अगर आप गाड़ी को पंच करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल आगे की तरफ पुश करेगी, तो अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब जो हम जिस्पा की तरफ पहुंचने वाले, तो यहाँ पे रोड कंडीशन जो थी वो काफी अच्छी हो गई थी, तो उस केस में अगेन एक्सेलरेशन हमने गाड़ी को दे रखा है। आप देखेंगे 47-48 के आसपास गाड़ी चल रही है और ट्रैफिक वगैरह भी हमें काफी अच्छा मिला। और गाड़ी की जो हाई जो लेंथ है वो लंबी होने की वजह से अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप पहाड़ों पे स्ट्रीप मोड पर इसको काटते हैं तो उस चीज में आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि गाड़ी को कितना आपको काटना है। और अगर गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो गियर शिफ्टिंग भी मुझे इसका काफी अच्छा लगा। बीच बीच में कई बार गियर हल्के से इसके अटक जाते हैं, थोड़े से टाइट है गियर, इवन क्लच वगैरह भी इसका थोड़ा टाइट है, बट जब एक बार आप इसको चलाते हैं अगर आपको इसकी आदत हो जाती है तो उस केस में आपको इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमने स्टे किया था। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी को मैं कॉर्नरिंग पूरा का पूरा गाड़ी के स्टेयरिंग को मैंने घुमा दिया है, काफी जो नैरो कट था, और उसके बाद हमने गाड़ी को यहाँ पे अपने स्टे में पार्क कर दिया है। तो ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस रही मनाली टू जिस्पा काफी अच्छी रही, किसी भी तरीके का हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे हमने गाड़ी को चलाया नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपने ट्रिप को आगे करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे जब हाई ऑल्टीट्यूड होगा तो गाड़ी का
जो टॉर्क है क्या वो एनफ है, या गाड़ी का जो इंजन लोड है वो किस तरीके का होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको देंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें।